अथर्व शीर्ष परंपरा में देवी अथर्व शीर्ष की अत्यंत महिमा है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। देवी के नवान मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का उपदेश और महात्म्य भी इसमें किया गया है। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपातस्थो काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहम् ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहम् विज्ञाना विज्ञाने अहम् ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम् पञ्चभूतान्य पञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमा वेदोऽहम् विद्याहमा विद्याहम् अजाहमनाजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहम् रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेव्यैः अहम् मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ अहम् सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहम् विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणामुत प्रजापतिं दधामि अहम् दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम् राष्ट्रीसङ्गमनि वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहम् सुवे पितरामस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन्नमो दैव्यै महादैव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्राकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे कानाशायित्रैते नमः देवीं वाचमजजनयन्त देवांस्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेश मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्ठु तैतु कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह्य जनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृत बन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहाः सा मातिरिश्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुनरुच्येषा विश्वमाता दिविद्योम एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः शैषाष्टौ वसवः शैषैकादश रुद्राः शैषा द्वादिशादित्याः शैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च शैषा यातु धाना तुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः
सत्व रजस्तमांसी सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्र मनवाह सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिंषी कलाकाष्ठादी कालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्याबीजं सर्वार्थसाधकम् एवामेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसाः ध्यायन्ति परमानन्दमया जानाम्बूराशयाः वाङ्माया ब्रह्म सुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यो वाम श्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टा तृतीयकाः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधारयोक्तताः विच्चेन वाणकोर्णाः स्यान्महदानन्ददायकाः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं लोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा इकैवा सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैवा विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी जानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति शैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षं योधिते पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृताः दशवारं पठेत्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः सायामधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति पातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुर्यसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त हो जाता है। इस अथर्वशीर्ष को बिना जाने ही जो
प्रतिमा स्थापन आदि करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करके भी अर्चा सिद्धि प्राप्त नहीं करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इसकी पुरश्रण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को भी पार कर जाता है। इसका सायंकाल में पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातःकाल में पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, सायं तथा प्रातः दोनों समय पाठ करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमो अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है।